देन फिर ऑब्वियसली इसका कंक्लूजन ये है कि जो आप मुझे देखते हो व्लॉग्स में दैट इज नॉट। इस पर इतना केयरफुली चलना पड़ रहा है मुझे, दो तीन बार फिसलता फिसलता बचा हूँ, पूरा आइस जम चुका है। समझ में नहीं आता बूढ़े लोग कैसे चलते हैं इस पर। बहुत ही बुरा दिन है ये बाहर निकलने का, बहुत ही ज़्यादा। मैं नॉर्मली चल ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। ओह बाप रे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बारिश की। विंटर में बारिश होता है तो सब इतना स्लिपरी हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ग्रिप नहीं मिलता। ये देखिए, वहाँ से लेके यहाँ तक चलने में मुझे 5 मिनट लग गए। मैं निकला था लंबे शॉपिंग के लिए बट मैंने अपना ट्रिप कट शॉर्ट कर लिया। आज चलना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इतना बर्फ, इतना स्लिपरी है, मैं 2-3 बार गिरते गिरते बच गया हूँ। मैंने सोचा इतना रेस्ट लेने से अच्छा है मैं घर ही चला जाता हूँ। इट इज़ नॉट वर्थ इट। इवन तो मेरे पास एंटी स्किड शूज़ है, फिर भी इतना स्लिपरी है आज। -4 डिग्री सेल्सियस है फिलहाल बाहर। ये अपार्टमेंट का एंट्रेंस डोर है एंड उस डोर के बाजू में ही एक हीटर लगा हुआ है एंड फिर ये दूसरा डोर है। तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ कितनी ठंडी होती होगी कि अंदर आते ही हीटर की ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ पे। सो ये बेसिकली एक सेमी एंट्रेंस हो गया। यहाँ पे आपका पूरा स्नो वगैरह क्लीन व्लीन करते हो फिर आप यहाँ से अंदर आते हो। देखो देखो क्या आया है, माया का कैटरी। तो माया का कैटरी यहाँ आ गया है, हम अभी असेंबल करेंगे माया का कैटरी। माया आर यू एक्साइटेड? ये कितनी सुंदर है माया की पूछ। तो ये रहा माया का कैटरी, ऑलरेडी काफी खुश लग रही है। अरे सो टेम्परेली यहाँ पे रखा है, हाइट ठीक ठाक है कैटरी का, इट्स नॉट टू बिग। कोकोमेला का कैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इससे। तो फाइनली इतने दिनों बाद वापस थोड़ा स्नो होना शुरू हो चुका है। अभी रोड्स बेटर लग रहे हैं, ऐसा लगता है चल सकते हैं, बट हाँ थोड़ा स्लिपरी है अभी भी और स्नो की ज़रूरत है।
देखिए पूरा लुक चेंज हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे भी बज रहे हैं दोपहर के 2 एंड मैं थोड़ा काम से निकला ग्रोसरीज लेने के लिए। एंड अब से अगले पूरे 1 हफ्ते तक दमदार स्नोफॉल होने वाला है, फोरकास्ट में तो ये लिखा है, तो होपफुली वैसा ही होगा। आई होप पूरा भर जाए वापस स्नो से एंड वापस फ्रेश स्नो एक्सपीरियंस करने मिले, क्योंकि बारिश और बिना स्नो के विंटर इतना गंदा होता है यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो वेदर थोड़ा वापस बेटर हो रहा है। तो अभी मैं बस व्लॉग एडिट ही कर रहा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना ज़्यादा, ऑब्वियसली व्लॉग है तो मुझे कितना ज़्यादा बात करना पड़ता है। एंड फिर मुझे ये स्ट्राइक हुआ, आप लोग जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मैं बात करता हुआ ही दिखाई दूंगा, बट रियल लाइफ में अगर आप मुझे ऐसे ही मिलोगे तो मैं बहुत कम बात करता हूँ, बहुत कम। मैं ऑलमोस्ट मोस्टली शांति बैठा रहता हूँ। देन फिर ऑब्वियसली इसका कंक्लूजन ये है कि जो आप मुझे देखते हो व्लॉग्स में, That is not how I am in real, क्योंकि मैं कम बात करता हूँ। तो फिर ये dishonesty हो गई या फिर ये क्या हो गया? और maybe it's just natural because vlogs में बात obviously बात करना ही पड़ेगा, मैं थोड़ी खुद को शांत बैठा हुआ व्लॉग करूँगा, so it doesn't make sense। या तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं फालतू ही सोच रहा हूँ, all of this doesn't matter, मुझे तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और ये फालतू चीज़ें सोचना बंद कर देना चाहिए। सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये व्लॉग। एंड अगर आप व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे आगे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने वाला है एंड घर से बाहर निकलना ही है कुछ भी करके, तो देखते हैं अब उसमें हम कितना कामयाब होते हैं या नहीं होते। तब तक के लिए बाय।